गाजीपुर सुभाष उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, 2022 का यूपी चुनाव मेरे इर्द गिर्द ही रहा, ओपी राजभर। राष्ट्रपति चुनाव में एक भी नंबर पर मेरी चर्चा होती रही, ओपी राजभर। 2024 के चुनाव को लेकर भी मुझ पर सभी की निगाहें, अखिलेश यादव पर भी ओम प्रकाश राजभर ने कसा तंज। पढ़ा लिखा व्यक्ति झाड़फूंक की बात करे तो इसकी हताशा है। जी हाँ, गाजीपुर में राजभर ने कई मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा 2022 का यूपी चुनाव उनके इर्द गिर्द ही रहा है। ओपी राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में भी एक नंबर पर उनकी चर्चा होती रही। उन्होंने दावा किया इस तरह 2024 के चुनाव को लेकर भी उन पर सभी की निगाहें हैं। इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। अखिलेश के बयान के जवाब में उन्होंने कहा पढ़ा लिखा व्यक्ति झाड़फूंक की बात करे तो ये उसकी हताशा है। उन्होंने कहा अखिलेश झाड़फूंक पर विश्वास करते होंगे, हम नहीं करते। सपा के शेर गीदड़ चूहे के पोस्टर पर ओम प्रकाश राजभर बोले। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर लोग पीएम सीएम को भी क्या क्या बना देते हैं, इसे हम इसे अपना प्रचार मानते हैं। बीजेपी की वो मालिक नहीं है, अपनी पार्टी के मालिक हैं। वो अपनी पार्टी की बात करें तो अच्छी बात है, ये उनका मत हो सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का मालिक है, अपने नेताओं के साथ रहता है। क्या रणनीति होगी सर आगे करने? ये 25 करोड़ जनता आबादी जो उत्तर प्रदेश की है, हम उनके बीच में, हम उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांट करके हम संगठन का काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों का स्नेह प्यार, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे पूर्वांचल, बड़ी संख्या में लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है। लोग संगठन के साथ बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। इन्हीं की बदौलत सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, हम इन्हीं के साथ इस समय लगे हुए हैं। राजभर जी, जैसा कि अभी पिछले दिनों आपने बयान दिया था कि अखिलेश यादव जो एसी में रहते हैं, लेकिन अब 9 तारीख से आपके पूर्वांचल और खासकर गाजीपुर से जो पद यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो एसी की राजनीति भूलकर अब जमीन पर आना चाहते हैं या क्या है? ये तो राजभर की उपलब्धि है। दो हजार चौबीस को लेके क्या रणनीति है? 2024 में क्या लगता है किसी बड़े कितने लोगों के साथ रहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर अकेले? अभी 24 करोड़ जनता के साथ ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं। अभी 24 का चुनाव दूर है। जैसे कहावत है कि खोखी आवे के सवेरे मुँह बाई संजा के, तो अभी वो टाइम नहीं है। देखिए, ये तो तय है कि आपने देखा कि 22 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द ही रहा। सबसे ज़्यादा चर्चा में ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने दिखाया। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, 6 MLA हमारे पास, इसके बाद भी देश की राजनीति में चर्चा में एक नंबर। अब 24 का चुनाव आ रहा है, तो आप लोगों के साथ साथ सबकी निगाहें राजभर की तरफ, तो चर्चा तो स्वाभाविक है। देखिए, हताशा और निराशा, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और वो अगर झाड़ फूंक पे विश्वास करे तो ये साबित होता है कि हताशा और निराशा दिख रहा है। आज पूरा विपक्ष ओम प्रकाश राजभर को निशाने पे लिया, इस नाते लिया है कि हम अति पिछड़े एवं अति दलित की बात सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं। हम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आज़ादी के 75 साल में 57 से वोट दे रहे हैं लोग, ये अति पिछड़ों में पाल प्रजापति नाई गोण कुम्हार बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान खंघार आर्या कर्कवंशी बंजारा बहेलिया जो अति पिछड़ी जातियों में आते हैं, जब सत्ता में आप लोग रहते हो तो इनके विषय में क्यों नहीं सोचते हो? इनके बच्चे सिपाही दरोगा क्यों नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनाते हो? जब इसको सवाल खड़ा करते हैं, इनके रोजगार के विषय में आप क्यों नहीं सोचते हो? इनको नौकरी क्यों नहीं देते हो? जब इसके लिए सवाल खड़ा होता है, इनको जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों को बुरा लग रहा है, इसी नाते लोग परेशान हैं। अखिलेश जी जो है लगातार कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के मंत्र पढ़ रहे हैं, उनको झाड़ फूंक की जरूरत है, तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अब झाड़ फूंक पर वो विश्वास करते हो, हम तो नहीं करते। क्या लगता है कि बीजेपी का जो मंत्र पढ़ रहे हैं, जो कह रहा है, तो मतलब कुछ अब हो सकता है उनको हवा लग गई हो। सर, एक कल का बनारस में पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें अखिलेश यादव को शेर और आपको और आपके बेटे को गीदड़ के कप में बताया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी?
तो डेली हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कोई प्रधानमंत्री को का बना देता है, कोई मुख्यमंत्री को का बना देता है। तो देखिए ये तो हम तो इसको प्रचार मानते हैं अपना, कि कम से कम इसी बहाने प्रचार तो हो रहा है। संजय चौहान कह रहे हैं कि आप बड़े भाई हैं और आपका स्वागत है बीजेपी में, इस तरह